घर में इतना मुंह फाड़ते रहते हो, मुंह फाड़ फाड़ के बोल लेना, मुंह सील के मत खड़े हो जाना, ऐसा ना हो कि सांप सूंघ गया और तुम्हारी जबान पे ताले लग गए हो, हैं? अरे समझ में? क्यों काटरी से हल्ला? मैडम हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, भल्ला। मैं हूँ भल्ला, भानु भल्ला। तानपुरा टेढ़ा। तो तुम्हारा तान पूरा टेढ़ा है, तो तुम्हें क्या लगता है यार हमारी मैडम को क्या समझा है तुमने? अरे हमारी मैडम तुमसे भी ज्यादा टेढ़ी है। मेरा मतलब है कि क्या, कौन हो तुम यार, क्यों हो? जी जी वेल इससे पहले मम्मी जी की घूम जाए खोपड़ी सा, तुम दोनों जल्दी अपने इंट्रो की खोल दो झोपड़ी सा। मैडम मैं हूँ सेठ भानु भल्ला, तानपुरा टेढ़ा। और मैडम मैं बहुत बड़ा कारोबारी हूँ, और ये है मेरी धर्म पत्नी। यही चुप रहो तुम, हाँ? अपना इंट्रोडक्शन मैं खुद दे लूंगी। भगवान ने क्या मेरी जबान की जगह लौकी लटका के भेजा है मुझे, हाँ? तोते उड़ा दूंगी। देखो मैडम, इनकी जबान गाजर का हलवा और मेरी जबान सूजी का हलवा। ओ, बातों की रानी, जबान की सिर देवी। अपना नाम बोल ले, क्यों क्यों जो है अपने पति की बात में कर लियो क्लास खड़ी, हैं? घर जाके कुछ लोगों का अभी भी विश्वास है कि मैरिज इज मेड इन हेवेंस। उनका रहन दे उन्हीं इसी छलावे में, क्यों पति की बैंड बजा रही? पति? मैडम पति नहीं, ये वनस्पति, समझ लो चाय की पत्ती। नमस्ते मैडम। मैडम मैं हूँ इनकी सेठानी भारती भल्ला, तोते उड़ा दूंगी। मैडम वो हमारे कुल देवता की करोड़ों की मूर्ति है ना मैडम, वो मंदिर से चोरी हो गई है। क्या? ओ बिल्लू, कब हुई, कैसे हुई, कितने बजे हुई, कहाँ से हुई, कौन से मंदिर से हुई? आपका मंदिर था लेकिन कितने बजे हुई, किसने करवाई? किसी ने तो करवाई होगी। ये सेठ भालू प्रसाद क्या कर रहे थे, मतलब कुछ तो बात हुई होगी ना। बस बिल्लो। अरे एक बताता हूँ, जरा ब्रेक लगा लो। देखिए मैडम, दरअसल बात ये कि हमारा एक खानदानी मंदिर है जहाँ हमारे कुल देवता की सोने की मूर्ति थी मैडम, जो कि वहाँ से गायब हो गई। अबे तू कह रहा गायब हो रही, बीवी कह रही चोरी हो रही। देखिए मैडम, मैं भला ये कैसे कह सकता हूँ कि मूर्ति चोरी हो गई है तानपुरा टेढ़ा? मैडम ये पता लगाना तो आपका काम है ना कि मूर्ति चोरी हुई है या उसका क्या हुआ है। मैडम मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि वहां से मूर्ति जो है वो गायब हो गई है मैडम, तानपुरा टेढ़ा। और वो मूर्ति मैडम करोड़ों की थी मैडम, आप ये पता लगाइए मैडम कि ये किसका काम है, वरना मैडम ये देखिए हमारे खानदान की प्रतिष्ठा का सवाल है, तानपुरा टेढ़ा। वेल भगवान की मूर्ति चुराए, ऐसा कौन हो सकता है, दुष्ट पापी चोर था, बात काबिले गौर था। इसके कहने का मतलब है, मतलब हम जानना चाहते हैं कि तुम्हें किसी पे शक है? शक? अरे मुझे तो पूरा यकीन है कि इनका ना इनकी सेक्रेटरी के साथ कोई चक्कर चल रहा है जरूर। तोते उड़ा दूंगी। भाई वो शक तो तुम्हारा आई थिंक यकीन में तुम बदल दो, पर हम उस शक की बात नहीं कर रहे, हम दूसरे शक की बात कर रहे हैं कि चोरी किसने करी है, वैसा कोई शक वगैरह डॉट। देखिए मैं ये कैसे कह सकता हूँ, मैं तो वहाँ था नहीं, बस मैंने इतना सुना कि वहाँ एक धुआं उठा था ब्रूम करके, और उसके बाद हमारे कुल देवता की आवाज आई थी कि हम ये मंदिर छोड़ के जा रहे हैं। और उसके बाद बस एक आदमी दिखा, लंबे बालों वाला, दाढ़ी मूछ वाला, और वो जो है ना अपनी टोकरी में मूर्ति लेके भाग रहा था, और जाते जाते वो अचानक गायब हो गया। तानपुरा टेढ़ा है। इंटरेस्टिंग केस। गोपी, मैडम कुछ बोल नहीं रहे। सामने जो जमीन खाली पड़ी है ना, खुरपी लेके जा और दाब दे बुढ़ाऊ ने आज। तो फिर मेहनत लगेगी ना गड्ढा खोदने में, मैं नाले में फेंक देता हूँ। अच्छा सुनो,
इनको भी ले। बिखर गए बचपन के सपने, हर मानो की सांझ ढले। रूठ गए हमारे कुल देवता हमसे रूठ गए, लगता है हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई है। केले छील के, केले छील के, अरे कहाँ पुजारी जी, आपने केलों का नाम ले लिया तो भूख सी लगाई। वैसे चढ़ावे में केले आते तो होंगे, कुछ प्रसाद में दीजिए ना कुछ केले। और खाएगा प्रसाद दूं मैं? नहीं मैडम, ओवर ईटिंग हो गई बस। पुजारी जी, हेलो, हाउ डू यू डू, आपका नाम क्या रहा? हमारे गुरुजी कहते हैं कि अरे दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। वैसे हमारा नाम है गुल्लू गोस्वामी। पुजारी जी, जिस वक्त वो घटना घटी उस समय मंदिर में कितने लोग होंगे तकरीबन? गुरुजी ने कहा है कि दुनिया है भक्तों का मेला। हाँ, बहुत सारे भक्त थे केले छील के। Well, इतने लोगों के बीच उठा धुआं इस दा, तभी ये सब हुआ इस दा। अबे उठे बिल्लू, अबे यहीं दिखा ले सारी भक्ति आज में। चल आरती की थाल लाके दे। पुजारी जी, ये जो धूप है ये वही वाली है जो कल जली थी? नहीं नहीं, वो धूप तो खत्म हो गई, ये तो नए स्टॉक वाली धूप है। ये दुनिया ये महफ़िल। केले छील के। हाँ ठीक है पुजारी जी, भूल गए, बोले वेरी गुड वेरी गुड। हमारी बात सुनिए आप, इसका मतलब ये हुआ कि कल जो धूप का इस्तेमाल हुआ था वो खत्म हो गया। तो मिश्राला, हमें तो पता चलेगा ही नहीं कि उस धूप में एक्चुअली था क्या, हैं? चलिए ठीक है अपना। पुजारी जी, कुछ पूछताछ के लिए हो सकता है फिर से तकलीफ देनी पड़े आपको, चौकी आना पड़ेगा जब हम बुलाएं। तुमने पुकारा और हाय हाय हम चले आए, जा चाय, हम आपके लिए चाय भिजवाते हैं केले छील के। थैंक यू थैंक यू। मैडम एक बात मेरे इंटेलिजेंट दिमाग में बहुत देर से उछल रही है, कूद रही है, उसे कूदने दूं या बोल दूं? बोल दो बेटा, अगर इतनी उछल कूद रही हो तो बोल दो, इतनी अकलमंदी की बातें करते हो, एक और सही करो। मुझे लग रहा है कि हो ना हो इस मंदिर में ही कुछ गड़बड़ है। एकदम साइंटिस्ट वाली बात कही है इसने, न्यू इन्वेंशन। सही करा जो तैने बता दिया, हमें तो लग रहा था अस्पताल में हुई है गड़बड़, है वहां जाके करेंगे। अबे चल। गोपी गुलगुले। जी मैडम। हाँ जी जी मम्मी जी। मंदिर पर और इस फिल्मी पुजारी पर नजर रखो। वेल मॉम डोंट द वरीज द, मैं हूं परा, लप्पी मेरी परी इज द। दे! क्या यार? रख दे इसे। मैडम केले हैं इधर। रहने दे इसको। रहने दो। भगवान के नाम पे कुछ खाने को दे दो माँ, माँ कुछ खाने को दे दो माँ। सिपाहियों, भिखारी को राजमहल से बाहर कर दिया जाए। याददाश्त इज गॉन। अरे यार कुछ हुआ था क्या? हम भिखारी हैं यार। अच्छा, दे बहुत भूख लगी है। अच्छा सुन, बात सुन, तू यहीं खड़ा रहे, मैं अभी आती हूँ। क्या धीरे बोला कर। Well, who the he is the? रात को मैंने नहीं पी इस दा। मैं अंदर जाके देख के आता हूँ, लगता है कुछ गड़बड़ है। हाँ,
लो बाबा रखो। वेल ब्रो, एक क्वार्टर के पैसे दे दो बाबा। चल हट करी गंदा। सुन, ये ले और निकल। कितना देखता है। ये अंदर गई थी मंदिर के पीछे वाले कमरे से, इसने कुछ लिया है लाल कपड़े में और इसको लाके दिया है। हेलो गुलगुले, कहाँ हो तुम? मंदिर के पीछे? अरे यार मंदिर के पीछे नहीं, तू मंदिर के बाहर आ जा, हमने किसी का पीछा करना है। हाँ सुन, तूने भिखारी की ड्रेस पहनी हुई है ना? वेरी गुड, मार्वलस। या आ जा बाहर, आ जा। ठीक है, ओके ओके ओके। बजाय राम राम। हेलो। ये घर किसका है? Well, कुछ समझ में नहीं आया तुमने क्या बोला। इसदा मेरी सास है आग का गोला। इसदा मैंने कहा खोपड़ी मत खा भाग भिखारी। अबे भिखारी किसको बोल रहे हैं हम? ओ वो अभी अरे हम भिखारी नहीं है, हम पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले? तुम पुलिस हो? तुम पुलिस हो तो मैं यहाँ का कमिश्नर हूँ, सलूट मारो। गोपी क्या कर रहे? Well, कमिश्नर क्या, तुम तो कहीं से भी नहीं लगते हो। सिक्योरिटी गार्ड इज द गुलगुले, इसको दिखाओ अपना राशन कार्ड। इज द आइडेंटिटी कार्ड। या दिस वन। गोपी कुछ भी, ये सही है लेकिन ये इधर देख, ये देख। अरे सलाम सलाम। हाँ सलाम वलाम ठीक है। अरे पहचाना है? अब ये बताओ कि ये घर किसका है? ये अरे साहब ये तो मंदिर के पुजारी का घर है। वेल अभी अभी जो गई है अंदर वो है कौन? इज द जल्दी बोलो, मत रहो मौन। इज द साहब वो तो पुजारी जी की बीवी है। हाँ अभी 2 साल पहले शादी हुई, ताजी ताजी। हाँ साहब बहुत खर्ची ली है पुजारी की, तो बैंड बजा रखी है। हाँ अरे बहुत परेशान है, बहुत खर्चा कराती है। ये लेके आओ वो लेके आओ, जब ये लाता है तो ये पसंद नहीं। बहुत परेशान है साहब। ओहो ऐसा है, जरा पानी पिलाओ। जो ढटोन मंगवाओ? ये नहीं, चल निकले निकलो यहाँ से। खाना बन गया क्या? अरे बन रहा है ना, सब्जी काट रहा हूँ ना, बच्चे की जान लोगी क्या? अरे क्या है आजकल, है आजकल तुम्हारे सर पे ये शॉपिंग का भूत सवार हो रहा है? हाँ ये क्या है अकेला छिलके, और यहाँ पे हम वैसे परेशान हो गए। मंदिर के भगवान चले गए, रूठ गए यहाँ से, आउटडोर कहीं पे चले गए केला छील के। हाय हाय, देखो ऐसी तुम्हारी हरकत रही ना तो कहाँ भी न जाए, चुप रहा भी न जाए, कैद में है बुल केला छील के। क्या हरकत की है मैंने, बोलो। चारों शो देखूंगी। अरे जब मेरे नखरे नहीं उठा सकते थे तो कर लेते ना किसी गांव की गवारन से शादी, मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी। चारों शो देखूंगी।
अरे हमसे का भूल हुई जो ये सजा हम का मिली, केला छील के। अरे मुझे ये बताओ कि तुमने वो मंदिर में से दिया क्यों चुराया? नहीं। और चुराया तो चुराया, लेकिन वो चुराया हुआ दिया तुमने अपने आवारा भाई को दे दिया केला छील के। मुझे ये बताओ कि तुमने वो मंदिर में से दिया क्यों चुराया? नहीं। और चुराया तो चुराया, लेकिन वो चुराया हुआ दिया तुमने अपने आवारा भाई को दे दिया केला छील के। हाँ दे दिया, कुछ तो कुछ कमाते धमाते हो नहीं, और जब से मंदिर सुना हुआ है चढ़ावा भी आना बंद हो गया है। और मैंने मंदिर में से कुछ सामान चुरा लिया तो क्या हो गया? सेवा भी तो हम ही लोग करते। अरे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि मंदिर से सारा सामान चुरा लिया जाए और चुरा चुरा के अपने आवारा भाई को दे दिया जाए। पता है वो आवारा भाई तुम्हारा जो है वो क्या करता है, आधे पैसे खुद रख लेता है और आधे पैसे तुम्हें दे देता है। अरे ये भी कोई जीना है लल्लू? अरे पंडित सुनो। वेल, ये नहीं हो सकता चोर इसदा, मूर्ति का चोर है कोई और इसदा है। अगर ये चोर नहीं है गोपी तो चोर कौन है?